नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर और उनके साथियों पर राजपुर क्षेत्र के प्रीतम राज बड़ोले द्वारा बड़वानी थाने पर 13 करोड़ से अधिक राशि के घोटाले का आरोप लगा, जिसमें FIR दर्ज करवाई गई है। वहीं NBA नेत्री मेधा पाटकर ने इन पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। NBA नेत्री मेधा पाटकर के खिलाफ बड़वानी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। नर्मदा नव निर्माण अभियान मुंबई की ट्रस्टी मेधा पाटकर सहित 11 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रीतम राज बड़ोले नाम के युवक ने FIR में लिखाते हुए आरोप लगाया है कि मेधा पाटकर ने जनता को यह दर्शाकर गुमराह किया कि वो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते नर्मदा घाटी के लोगों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के अलावा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आवासीय जीवन शाला प्रदान करना है, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में धन राशि मिली, लेकिन उक्त राशि का स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कुछ अन्य राजनीतिक राष्ट्र विरोधी एजेंडा पर दुरुपयोग किया गया है, जिसकी न्यायहित में और निष्पक्ष लोक प्रशासन के लिए जाँच की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया जाँच से पता चलता है कि 14 वर्षों से ट्रस्टियों ने 13 करोड़ से अधिक राशि जमा की, जिस राशि का स्रोत और व्यय का स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया। CSR नीति के तहत मेजगांव डॉक लिमिटेड और डक्स से बड़ी राशि प्राप्त हुई थी, जिस CSR निधि का उपयोग केवल विकासात्मक कार्यों के लिए दिया जाता है, न कि भोजन कराने के लिए। लेकिन इनके द्वारा उस राशि का उपयोग स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों को भोजन कराने के उद्देश्य से लिया गया। 1.5 करोड़ से अधिक राशि का ट्रस्ट के द्वारा बैंक से नगद निकासी की गई। निकासी की ऑडिट व खाता वितरण अस्पष्ट है। ट्रस्ट के 10 खातों में से 4 करोड़ से अधिक राशि नियमित व अज्ञात निकासी हुई है। ट्रस्ट ने एकत्रित किए दान का पैसा विकास परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में प्रबंधन के लिए डाइवर्ट किया गया था। मेधा पाटकर के सेविंग अकाउंट में 19 लाख से अधिक राशि खाते में आई है, जबकि मेधा ने इंदौर की एक कोर्ट में आय का दावा करते हुए 6000 रुपए प्रतिवर्ष दर्शाया है। वहीं NBA नेत्री मेधा पाटकर ने बताया कि मुझ पर लगे आरोप निराधार है। आज ये बड़वानी में FIR हुई है आपके, ये क्या प्रकरण है पूरा? हमको तो कोई अधिकृत रूप से खबर नहीं आई है, और जो खबर मीडिया से मिली है उससे तो यही लगा है कि एक जानबूझ के झूठे आरोप लगाना और बदनाम करना, यही एक प्रकार की साजिश है। ये कौन है जो युवा व्यक्ति इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, वो पूछने के बाद यही जानने मिला कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और उनके साथ जुड़े हुए राजनेताओं के साथी है। लेकिन ये जो कह रहा है कि जीवन शाला अस्तित्व में ही नहीं है, ये सरासर झूठ है। और 30 साल से करीबन जीवन शालाएं चल रही है और उसमें पूरे 800 से 1000 तक बच्चे रोज खाना खाते हैं, और लॉकडाउन के कारण नंबर थोड़ा कम होता है, लेकिन ये सब वैध है, कोई भी आवेदन नहीं है। और नहीं जीवन शाला का पैसा जो जीवन शाला के लिए आता है वो हम कहीं दूसरे राष्ट्र विरोधी कार्यवाही में उपयोग करते हैं, जीवन शाला के लिए ही उपयोग करते हैं। और जो बाकी हमारा कार्य है वो भी कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। हम विकास की अवधारणा पर, या हम लोग वंचना पर, या न्याय पर, पीड़ितों के, शोषितों के, श्रमिकों के, किसानों के साथ जुड़कर जब सवाल करते हैं तो वो राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र विरोध नहीं होता है, ये बात हमारी साफ है। आज भी आपके द्वारा जो समिति है उसमें बच्चों को किताब वितरण की गई। आज भी समिति द्वारा किताब वितरण की गई है, पुस्तकें। आज भी किताबें नहीं, वही नोटबुक्स। शहादा की एक पूरी टीम और कुछ महाराष्ट्र के अन्य जिलों के भी साथी आए थे, युवा, और उन्होंने पूरे लोगों में जाकर लोगों के सहयोग इकट्ठा किया, नोटबुक्स खरीदकर हमारे 6 जीवनशालाओं के लिए उन्होंने हमको योगदान दिया। तो इस प्रकार से जीवनशालाओं में जाने वाले, उसको अपना सहयोग देने वाले बहुत सारे लोग हैं, महाराष्ट्र में हैं खास करके, पर अन्य राज्यों में भी हैं। और ये कैसे कह रहे हैं कि जीवनशाला अस्तित्व में ही नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आता। और इसका उपयोग भी हमने कोई अवैध रूप से नहीं किया है, हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। ये मामला ये है कि सन 2006 से इनका एक NGO है, नर्मदा बचाओ अभियान करके, उस NGO के माध्यम से जो वहाँ पर जो राशि डलती थी उस राशि का इन्होंने अभी तक मतलब जो है बताया नहीं कि हमने कहाँ पर कितनी राशि खर्च की। राशि कहाँ से डलती थी? वो सामाजिक लोगों के माध्यम से इनके अकाउंट में डलती थी। कितना पैसे की जानकारी आपको मिली अब तक? 13.5 करोड़ रुपये। तो ये कहाँ खर्च होना बताया इन्होंने?
अभी खर्च उन्होंने बताया नहीं है। इन्होंने बताया कि जो है हमने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में वहाँ पर कुछ से विद्यालय शुरू किए हुए हैं, पर जहाँ जब वहाँ जाकर स्थानीय स्तर पर जब जाके देखा तो वहाँ पर ना विद्यालय थे, केवल झोपड़पट्टियाँ थी वहाँ पर। और आप स्वयं गए थे? हाँ, हम स्वयं गए थे, वहाँ सूत्रों के माध्यम से सारी जानकारी ली, पता किया हमने वहाँ पर। FIR का आधार क्या है? FIR का आधार यही है कि जो है हमने जब रिसर्च किया वहाँ पर जाके, इनके NGO का भी पता किया, इन ये जो खर्च कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने बताया कि हम यहाँ हमारे पैसा जो है खर्च कर रहे हैं, वहाँ जाके वस्तुस्थिति जानी जब वहाँ पे हमने जाके, तो ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और इन्होंने बताया कि लॉकडाउन में भी हमने जो है 65 लाख रुपये खर्च किए वहाँ पर, लॉकडाउन जैसे। असल में पैसा कहाँ खर्च किया गया इसका मतलब? तब वो तो वही बताएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो और अन्य कोई गतिविधि में खर्च किया। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट